कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई। कन्याकुमारी से शुरू हुई इस यात्रा का सोमवार को कश्मीर में समापन हुआ। लगभग 150 दिन में 3,570 किलोमीटर चलकर राहुल गांधी द्वारा यह यात्रा पूरी की गई। हजारों की संख्या में आम जनता इस यात्रा का हिस्सा बनी। दुर्ग से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अयूब खान विशेष रूप से इस यात्रा में उपस्थित रहे। 30 जनवरी को कश्मीर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में यात्रा का समापन हुआ। अयूब खान ने यात्रा के अनुभव को कुछ इस प्रकार से साझा किया। यात्रा का आज अंतिम पड़ाव राहुल गांधी जी के आज यहां पर शेरे कश्मीर स्टेडियम में एक सभा है जिसको हम लोग अटेंड करने आए हैं। देखिए तेज बारिश भी हो रही है, बर्फबारी हो रही है। सुबह से श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है और हम चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए। कैमरा मैन आप दिखा दीजिए, पब्लिक आते हुए स्वयं तक पीछे भी दिखा दें। सामने जो शेरे कश्मीर स्टेडियम है वहीं पर भारत जोड़ो यात्रा का समापन है। ये पूरा रास्ता ये ब्लैक होल्डिंग से पटा हुआ है। अपने साथियों के साथ हम जाते हुए 7 सितंबर कन्याकुमारी से जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, आज शेरे कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर नगर में समापन की ओर है। आदरणीय राहुल गांधी जी के मोहब्बत का पैगाम लेके इस देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ उन्होंने जो यात्रा की थी, वो यात्रा कई शानदार सफलता जितने राज्यों में गई उन राज्यों में इस यात्रा को शानदार सफलता मिली। और इस सफलता का आप ये देख सकते हैं कि चारों तरफ बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी में भी लोगों का हुजूम बर्फबारी में भी खड़े हुए हैं। और सामने प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी की सभा भी होनी है। और इस शानदार यात्रा का सारे भारत यात्री और देश के सारे कांग्रेस पार्टी के लिए यात्रा ऐतिहासिक होगी, जिसमें जितने लोगों ने जुड़ा और इस यात्रा को सफल बनाया। और मैं भी इस यात्रा का एक पार्ट रहा हूँ। मैंने भी कन्याकुमारी से लेके